हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बना रही हूँ क्रीम चीज़ केक। जो एगलेस है, जो नॉन बेक्ड है, और जिसमें ना जेलाटिन है ना अगर अगर है। आई डोंट यूज़ जेलाटिन एंड आई डोंट हैव अगर अगर, कहाँ जाके मैं ढूंढूँ, क्योंकि आई बॉट इट वंस एंड इट वॉज अ बिग फेलियर। सो मैं जो ईजिली अवेलेबल है ना, उसी से ही बना लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वी लव दिस चीज़ केक। दो सम माइट नॉट से कि दिस इज़ अ ट्रू चीज़ केक जैसी मुझे, बट वी लव इट। हमें बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल माई गेस्ट, माई नेबर्स, माई फ्रेंड्स लव दिस चीज़ केक। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन विच आई एम डूइंग। देखिए इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है। सो चीज़ केक के बेस के लिए हमें चाहिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स। आई प्रेफर टेकिंग मारी बिस्किट्स, बटर, और ये मेरे पास क्रीम चीज़ है, मैंने डिलेक्टर ब्रांड का। खैर, मेरे पास 1 kg का टब है। अगर आपको, इफ़ यू गो टू सुपर मार्केट्स, वहाँ आपको 180 से 200 ग्राम का या 150 ग्राम का भी छोटे छोटे टब मिलते हैं। ब्रिटानिया का भी मिलता है, डिलेक्टा का भी मिलता है, किसी का भी आपको क्रीम चीज़ मिले आप वो ले आइए। और ये है विप क्रीम। सो मेरे पास जो अवेलेबल थी, मैंने वो विप क्रीम ले ली, थोड़ी सी एक इसमें बर्तन में ट्रांसफ़र कर दी। विप क्रीम जो है बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे होती है टेट्रा पैक में। आपने उसको निकालना है, बर्तन में डालना है और फ्रिज में छोड़ देना है। सो यूजली ये मैं करती हूँ रात के टाइम। मैं रात को जितनी विप क्रीम चाहिए डाल के फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ, सुबह जब तक आप उठेंगे ना। सो ये देखिए, ये अभी बहुत गाढ़ी है। आई होप यू कैन सी कितनी गाढ़ी है। पर अगर मैं इसे रात भर फ्रिज में छोड़ दूंगी ना, तो सुबह तक ही एकदम दूध के जैसे पिघली हुई रहेगी, जैसी हमें चाहिए। अभी इसमें काफ़ी आइस पार्टिकल्स हैं, इसे अगर मैं अब विप करूँगी ना तो स्मूथनेस नहीं आएगी, क्योंकि वो आइस पार्टिकल्स है इसके अंदर। सो एनीवेज, ये थोड़ा सा और पिघल जाए तब तक हम दूसरा काम अपना शुरू कर लेते हैं। सो ये मेरे पास जो है 250 ग्राम्स का मैरी बिस्किट का पैकेट है। मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी, पर इसमें है ना तीन लेयर्स है। तो जो पहला लेयर है ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स होगा, ये मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने मिक्सी में इसको डाल लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ अमूल बटर। सो ये मैं एक कड़छी में डाल रही हूँ ताकि मैं गरम कर लूँ। सो 80 ग्राम्स बिस्किट्स में ऑलमोस्ट 15 से 20 ग्राम का बटर। मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा ले रही हूँ, जस्ट इन केस वो कम पड़ जाए। ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, बचा के काम ले लिया जाएगा। सो ये देखिए, दिस इज़ ऑलमोस्ट 20 ग्राम्स प्लस है थोड़ा सा। तो मैं इधर से बटर करती हूँ गरम, और ये मैं हल्का सा तोड़ लेती हूँ मिक्सी में डाल के। मैं इसे पीस लूँगी। आप चाहें तो बेलन की मदद से कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक मैसी वर्क। मिक्सी में एक सेकेंड में हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, मेरे मिक्सी, मैंने बिस्किट पीस के बिल्कुल पाउडर कर लिया है, और ये मैंने बटर मेल्ट कर लिया है। सो एक, दो, फिलहाल मैं 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, और मैं एक बार और इसे मिक्सी में घुमा लूँगी ताकि ये आपस में सारा मिल जाए। सो मुझे ये हल्का सा सूखा सूखा लग रहा है। सो मैं ये सारा बटर जो है ना अब मिला दूँगी। सी वॉट हैपन्स इज, अगर आपका बटर कम है तो, अगर बटर कम होगा तो ये जो हमारी जो बेस है ना, ये बिखर जाएगी। और अगर बटर हमारा ज़्यादा होगा तो ये इतना हार्ड हो जाएगा ना कि तोड़ के चम्मच से खाना मुश्किल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट लुकिंग इन बिटवीन वाला सी। सो द प्रॉब्लम इज, मैं आँखियों के इशारे से काम करती हूँ। सो अब हम इसे एक बार और चर्न कर लेंगे। सो ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है मिक्सचर। अब मैं बना रही हूँ अपनी चीज़ केक इन ग्लासेस में। आप चाहें तो जार्स जो आते हैं, सालसा जार्स, उसमें भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं वो। ऐसे टाइप के सालसा जार्स में भी बना सकते हैं। कई बार मैं जो मफिन के कप्स होते हैं स्टडी वाले, उसमें भी बना देती हूँ। यू नो व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट इन अ बेस, क्योंकि ना तो मैं मिला रही हूँ जेलाटिन और ना ही मैं मिला रही हूँ इसमें अगर अगर, तो ये सेट कैसे होगा। ना ही इसमें मिल्क मेड है, ना इसमें दही डाला है हमने गाढ़ा, ना पनीर डाला है, तो इसको सेट करने में आएगी दिक्कत। तो मैं क्या करूँगी, ये हमारा सेमी सेट होगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट इन ग्लासेस, यू नो, सिंगल सर्विंग एंड टेस्टियम। और कोई सेट हो नहीं हो उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि टेस्ट पूरा रहेगा एंड यू विल लव इट। सेट येस, अप टू 80% इसमें ये सेट हो जाते हैं जिस रेसिपी को हम यूज़ करें। सो सबसे पहले मैं ये ग्लास में डाल देती हूँ।
और अब हम इसे सेट कर देते हैं नीचे। ओके, वैसे तो मैंने ये ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे ना ये खाना बड़ा अच्छा लगता है, जो बिस्किट का बेस है, बटरी, थोड़ा सा नमकीन एंड विद लॉट ऑफ चीज़ के ना द स्टेक सोई है। तो ये स्पून की हेल्प से हम पूरा फ्लैटन कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा फ्लैट कर दिया है। एक लेयर बना दी है मैंने इसकी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो बटर है ना वो जम के पूरी ग्रिप ले ले अपनी सेट होने में इसको। तो एक 5 से 10 मिनट काफ़ी है हमें इसे फ्रिज में रख के सेट करने के लिए। सो अब मैं अपनी विप जो क्रीम चीज़ है वो ले लेते हैं हम, ताकि हम इसे भी विप करें। ये मैंने अपनी क्रीम चीज़ ले ली है। सो मैंने करीब 200 ग्राम ली है। आपको जो टेट्रा पैक मिलता है छोटा वाला, सॉरी जो टब मिलता है 150 या 200 ग्राम का, वो यूज़ कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी का पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं, करीब 2.5 चम्मच मैंने डाले हैं। और अब मैं इस ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरा ब्लेंड करके सॉफ्ट कर लूँगी। सो ये देखिए, मैंने इसको विप कर लिया है चीनी डाल के। ये काफ़ी लाइट हो गया है और स्मूथ हो गया है पहले से। तो आप चीनी एक बार चख ले, बहुत ज़्यादा चीनी ना डालें। लेट मी टेस्ट। परफेक्ट, बहुत मामूली सा मीठा है, और वो जो सा क्रीम चीज़ की जो टार्टनेस है ना वो है इसमें। अब ये हम रख देंगे साइड में। इधर इन द मीन टाइम ये मेरा जो विप क्रीम है ये पूरा पिघल गया है, अब मैं इसे भी विप कर लूँगी। इसे हम तब तक विप करेंगे जब तक हमें स्टैंडिंग पीक्स नहीं मिल जाती। ये देखिए, विप क्रीम से विप करके कैसा हमारा ये मैंने इसे विप किया है, तो देखिए कितना एरी हो गया है। आप इसे इन्हीं ये वाले जो हैंड ब्लेंडर्स या विपिंग क्रीम को ब्लेंड करने वाले मशीन होती है, इसी से ब्लेंड कीजिएगा। हैंड ब्लेंडर से नहीं, जिसमें ब्लेड्स होती है। ये क्या है, इसमें हवा भरते हैं तो वो फूलती है। हैंड ब्लेंडर्स आपके काटेंगे तो वो कभी फूलेगा नहीं, क्योंकि उसमें ब्लेड्स है। अभी तो ये देखिए, ये बहुत फ्लोई है। हमें इसे स्टैंडिंग पीक चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि वॉट इज़ इट एग्जैक्टली। ये देखिए, ब्लेंड करते करते कितना गाढ़ा हो गया विप करते करते इसे। अब इसे मैं ऐसे डाल के ऐसे उठाऊंगी। देखिए एक पीक्स आती है, जैसे पहाड़ नहीं होते वैसे पीक्स फॉर्म होते हैं, पर वो नीचे जाके गिर रहा है। तो दिस इज़ ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें स्टैंडिंग पीक चाहिए। जब हम तभी पता चलेगा कि भैया हमारा जो विप क्रीम है ना इट इज़ रेडी टू यूज़। स्टैंडिंग वाला क्या होगा, अगर आप केक पे लगाएंगे या डेजर्ट, केक पे तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये बह के निकल जाएगा। स्टिफ पीक्स एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा है, वो नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट स्टैंडिंग पीक्स ही चाहिए। देखिए अब कैसे बनता है। ये देखिए, अब मैं ये डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पीक्स जो है एकदम खड़े हो रहे हैं। मतलब ये स्टैंडिंग पीक्स हो चुके हैं, जो हमें जिस कंसिस्टेंसी पे विपिंग क्रीम चाहिए वो आ चुका है। अब हम विपिंग क्रीम और चीज़ क्रीम को आपस में मिला लेते हैं। ये विपिंग क्रीम मैंने क्रीम चीज़ में डाल दी है। आप चाहें तो स्पैटुला से मिक्स कर सकते हैं, बट आई फाइंड दिस ईजियर। ये पाइपिंग बैग है जो मैंने ग्लास में लगा ली है। अब मैं ये अपना क्रीम चीज़ और विपिंग क्रीम का मिक्सचर इसमें डाल देती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें कि द रेशियो ऑफ व्हिप्ड क्रीम हमारे क्रीम चीज़ से थोड़ा कम हो, वरना क्या है क्रीम चीज़ का फ्लेवर ही गायब हो जाएगा। मेरे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और कुछ खास नहीं पता चल रहा है फिलहाल व्हिप क्रीम का। मैंने इसमें ऐसे डाल दिया। ऊपर से ऐसे दबाते हुए हम अब मैं इसे सीजर से काट दूंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ डिजाइन नहीं करनी है, सिर्फ ग्लासेस में फिल करना है। स्टॉप, ये हमारी सेट बिस्किट्स, और अब हम इसे सिंपली फिल कर देंगे।
देखिए थोड़ा सा और मैं इसमें डाल सकती हूँ। और ये हो गया हमारा रेडी। इसी तरीके से मैं सारे अपने जो है जार्स फिल कर लेती हूँ। सो ये हमारी चीज केक की ग्लासेस रेडी है। ये है स्ट्रॉबेरी कंपोट। ये चीनी, स्ट्रॉबेरी और थोड़े से नींबू के रस को मैंने अच्छे से उबाला है थोड़ी देर। और ये देखिए कुक किया है 10 मिनट तक धीमी आंच पे कंटिन्यूसली हिलाते हुए, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया और ये इतना गाढ़ा हो गया है। सो वैसे इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी ये बिल्कुल ठंडा है। सो अब मैं इसकी टॉपिंग डालूंगी इसके ऊपर। सो ये तो था स्ट्रॉबेरी कंपोट। अगर आप चाहें यही चीज़ मैंगो के साथ कर सकते हैं, मैंगो चीनी नींबू डाल के और आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। समर्स में जब हमें मैंगो मिलते हैं, यू कैन यूज एनी फ्रूट विच यू लाइक, बट स्ट्रॉबेरी इज वॉट आई लव द मोस्ट। और चीज़ केक हो और स्ट्रॉबेरी लगे ना तो एक अलग ही मज़ा आता है। सो बिल्कुल भी कंजूसी ना करते हुए हम बढ़िया सी टॉपिंग लगा देते हैं हमारी चीज़ केक के ऊपर। दिस इज लुकिंग सो गुड, आई कांट वेट टू ईट दिस। सो अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में। देख रहे कितने सुंदर लेयर्स है। कब बनाती हूँ मैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैं शाम के टाइम बनाती हूँ। क्यों? बनाया और फ्रिज में रख दिया ताकि ये ओवरनाइट में सेट हो जाएगा। दिन में बनाते हैं ना तो 10 बार तो फ्रिज खुलता है और 10 बार फिर अलग से स्पेशली खुलता है कि ये सेट हुआ कि नहीं, मुझे खाना है। तो रात में करने में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि सुबह उठेंगे जब मन हो तब अपना डेजर्ट खाइए। और आप चाहें तो इसके ऊपर एक पुदीने का पत्ता लगा के गार्निश भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ये पुदीने का पत्ता जो है वो मैं लगा देती हूँ गार्निश करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट जो है मेल्ट करके डिज़ाइंस बना के उसके कुछ भी वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यू नो रेड के ऊपर ब्राउन, इट लुक्स यम। सो अब हम इसे चिल करेंगे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो टायर्ड नाउ। बाय बाय।